Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you guys are doing very well. So without any further delay, let's get into it. So first of all, many many congratulations who cleared FMG December 2022. तो मैंने भी इस साल, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मेरा इस बार क्लियर हो चुका है. तो अभी इस पर बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत से करते हैं. तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम होने वाला था 17 दिसंबर 2022 को, ठीक है, जो कि प्रीपोन हो गया किसी कारणवश 4th ऑफ दिसंबर को. ठीक है, एवरीवन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेपरेशन. फिर हुआ यूं कि एक महीने पहले एग्ज़ाम के, फिर से एनबी वालों ने एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन कर दी, जो कि अब की बारी रखी गई 20 जनवरी 2023, ठीक है. और इस पोस्टपोनमेंट का रीज़न दिया गया कि दिल्ली के अंदर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, ठीक है. लोगों ने इसको भी एडजस्ट किया जैसे तैसे और अपनी वापस पढ़ाई में लग गए. हालांकि जो एग्ज़ाम से एक महीने पहले की जो तैयारी होती है, उसमें स्टूडेंट की पेस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और वो अच्छे से तैयारी कर रहा होता है. मैं कर रहा था और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं नहीं पढ़ पाया. 2-3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा मैं, और फिर मैं आ गया अपने होम टाउन जोधपुर आ गया. मैं दिल्ली मैंने छोड़ दिया. फिर होम टाउन आके मैंने पढ़ाई जारी रखी. इतना नहीं पढ़ पाया मैं जितना मैं दिल्ली में पढ़ता था, बट हाँ कंसिस्टेंट रहा मैं, ठीक है, मैं पढ़ रहा था डेली का. और फिर 20 को एग्ज़ाम देने मैं दिल्ली चला गया. तो इस बारी लकीली मेरा ये एग्ज़ाम हो चुका है. और जिन लोगों का नहीं हुआ है, डोंट बी अपसेट, अभी भी आपके पास में, कह रहे हैं कि नेक्स्ट अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, बट आपके पास में अभी भी 2023 के होपफुली 2 चांसेस हैं आपके पास में. तो अभी से तैयारी में लग जाइए और होपफुली आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है. तो अगर इस साल के आंकड़ों की बात करें, मतलब इस दिसंबर वाले FMG के आंकड़ों की बात करें, तो टोटल 31,043 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है, मतलब फॉर्म भरा था 31,000 लोगों ने, जिसमें से 9,840 पास हुए हैं, ठीक है, और 2,744 स्टूडेंटों ने कोई भी कारण हो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एबसेंट थे वो इस एग्ज़ाम के अंदर, और 20 लोगों का रिजल्ट विदहेल्ड किया गया, रोक दिया गया. और अगर ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए तो इस साल, इस दिसंबर 2022 की जो पासिंग परसेंटेज थी वो थी 31.69%, जो कि हाईएस्ट है ना अभी तक के FMG एग्जामिनेशंस की. तो ठीक है, जो लोग पास हो चुके हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी फर्दर स्ट्रगल, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है. आपकी डिग्री वैलिड हो गई है और आपके शोल्डर पे जो बर्डन था वो बहुत कम हो चुका है. आई कैन फील यू, ओके, मेरे भी था. तो फिर जो लोग फेल हो चुके हैं उनके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, है ना, मैं काफ़ी 2-3 वीडियोस बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आप किस किस टीचर से पढ़ सकते हो. जो मैंने पढ़े हैं वो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी उन्हीं को पढ़िए और ये एग्ज़ाम आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है. डोंट बी सैड और डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखनी है ना. आई नो कि सेम चीज़ों को, सेम टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके, तो हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो भगवान का नाम लेके और वापस से स्टार्ट कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है. तो आपके प्रिपरेशन में मैं भी आपकी हेल्प करूँगा. जो आपको कोई भी डाउट हो और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट. और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा. तो बस ये हो गई काम की बात, अभी कर लेते हैं. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और जो लोग पास हो चुके हैं वो अपने फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. Till then, take care, be with your family, enjoy your life, okay? I'll see you in the next one. Bye-bye.